हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन होस पर। तो आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि सैमसंग किसी भी सैमसंग मोबाइल को आप एक मिनट में ट्रैक कर सकते हैं और अपने फ़ोन को ढूंढ सकते हैं, बशर्ते आपका फ़ोन चोरी हुआ हो या आपका फ़ोन खो गया है। तो अगर आपका फ़ोन खो गया है या चोरी हो गया है या घर में कहीं इधर उधर हो गया है आपके, तो आप बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये लिंक आप देख लीजिए वेबसाइट का, ये सैमसंग की वेबसाइट है, findmymobile.samsung.com, ठीक है। इसको मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। इसके बाद आप इसको लॉक ओपन करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल दिख रही होंगी, लॉस्ट योर फ़ोन, आपका फ़ोन खो गया है। तो प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम आपका फ़ोन ढूंढने में आपकी मदद करेंगे, यानी कि सहायता करेंगे। ये गूगल की ये सैमसंग की वेबसाइट आपसे कह रही है, ठीक है। इसके बाद हम नीचे साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें ID बनाना पड़ती है इसमें, ठीक है। तो साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको अपना ईमेल या फ़ोन नंबर या पासवर्ड देना होता है। अगर नई आईडी बनी हुई है आपकी तो आप साइन अप करके अपनी आईडी बना सकते हैं। इसके बाद इन तीन डॉट पर आपको क्लिक करना होगा, एग्रीमेंट पर, ठीक है। इसके बाद आपको एग्री करना होगा, ठीक है। एग्री करेंगे तो इस तरीके से फॉर्म खुलेगा एक, जिसमें आप सैमसंग अकाउंट बनाएंगे। आप ईमेल से ही बना सकते हैं, आप फ़ोन नंबर से भी बना सकते हैं। तो फ़ोन नंबर से बनाने के लिए आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करेंगे, ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। इसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे, ठीक है। पासवर्ड एंटर कर लेंगे इस तरीके से, ओके। पासवर्ड जो है वो आपका स्टार्टिंग में नंबर का होना चाहिए, बीच में आपका नाम, जैसे फॉर एग्जांपल 123 राकेश हैश, ठीक है। इस तरीके से आपका पासवर्ड होना चाहिए और मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 अंकों का आपका पासवर्ड होना ही चाहिए, ओके ओके। तो जब आप पासवर्ड यहाँ पे दे देंगे तो आप यहाँ पे इसमें साइन, आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। इसके पहले आपको इस तरीके से करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन तीन ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अभी आपको क्या करना होगा, साइन इन करना होगा, वही ईमेल पासवर्ड डाल के जो आपने सेट किया है अभी, ठीक है। तो पासवर्ड डाल के सेट करना होगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा, यहाँ पर आपको पासवर्ड देना होगा, वो पासवर्ड जो आपने सेट किया था अपनी आईडी पर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको रिमेंबर आईडी पर ना क्लिक करके साइन इन पर क्लिक करना है डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो फ़ोन ट्रैकिंग, यानी कि आपका फ़ोन की जो लोकेशन है वो चेक होने लगेगी सैमसंग की जो वेबसाइट है ये, इसके थ्रू, ठीक है। तो आपके फ़ोन की पूरी डिटेल यहाँ पर खुल के आ जाएगी कि आपके फ़ोन में कितने परसेंट बैटरी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी लोकेशन दिखा रहा है, लाइव लोकेशन दिखा रहा है आपकी ये, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ से आपकी लाइव लोकेशन दिखा रहा है, एक एक तरीके से, हर तरीके से आपकी लोकेशन यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो ये लोकेशन है और यहाँ पर देख लीजिए आप, अभी साइड में ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है बैटरी जो 71% आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे 71% बैटरी है मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर रिमोट कंट्रोल ऑन है, ठीक है, इससे ये होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यही आईडी आपके फ़ोन में भी लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। हमेशा इस आईडी को लॉगिन रखिए अपने फ़ोन में, कभी अगर फ़ोन घुमा तो आप आसानी से ढूंढ पाएंगे। यहाँ पर अनलॉक भी कर सकते हैं अपने फ़ोन को, तो फ़ोन को अनलॉक करने के लिए आपको क्लिक करना होगा अनलॉक पर। उसके बाद आपको इसी आईडी का पासवर्ड देना होगा, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पर देंगे इस तरीके से, ओके। अब फिर से आपको आई एम नॉट अ रोबोट वाला जो है वो नीचे आप देख पा रहे होंगे, उस पर क्लिक करना होगा, ठीक है। इसमें लिखा सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद ट्रैक्टर, जिन जिन फ़ोटो में आप ट्रैक्टर देख पा रहे हैं उनको सिलेक्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हो गए, सिलेक्ट हो चुके हैं, तीन फ़ोटो हैं। इसके बाद यहाँ नीचे से वेरीफाई करेंगे, ठीक है। वेरीफाई पर जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जब करेंगे तो यहाँ पर इसका जो इंटरफेस है इस तरीके से आएगा और अनलॉकिंग योर फ़ोन लिखा हुआ आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मेरा फ़ोन बिना पासवर्ड डाले लॉक हो चुका है, ठीक है। ये जब आप खुद करेंगे तो आप खुद भी देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीका है ये आपके फ़ोन को कंट्रोल करने का आपके थ्रू, अगर आपकी आईडी का पासवर्ड आप ही को पता हो बशर्ते, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लॉक, वही आपको कह रहा है कि योर फ़ोन हैज़ नॉट लॉक्ड, योर फ़ोन, आपका फ़ोन लॉक नहीं है, प्लीज़ सिक्योरिटी के लिए आप अपना फ़ोन लॉक कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से लॉक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शन देख रहा होंगे, इरेज डेटा, बैटरी वगैरह का, ठीक है। यहाँ से आपके कॉल डिटेल का, यहाँ पर ऊपर आप देख रहे होंगे रिंग, इसका क्या काम है, जब आपका फ़ोन खो जाता है या चोरी हो जाता है, इस फ़ोन रिंग वाले ऑप्शन का जो मेन काम जो है वो ये है कि आपके फ़ोन अगर खो गया है घर में वगैरह में कहीं पर लिहाफ गद्दे में कहीं हो गया है, तो आप टोन बजेगी एक, ठीक है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक मिनट तक वो टोन बजती रहेगी जब तक आप फ़ोन ढूंढेंगे, एक मिनट में तो ढूंढ ही लेंगे, खैर कोई ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। योर फ़ोन इज़ रिंगिंग, ठीक है। तो अभी मेरा फ़ोन रिंग करने लगा है,
मैंने अपने फ़ोन को छुआ तक नहीं है, फ़ोन रिंग कर रहा है, ठीक है। तो जैसा जब आप करेंगे तो आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में आप जो ब्लू डॉट देख ही पा रहे होंगे, आपका फ़ोन की लाइव लोकेशन आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अभी इसको यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको अभी हम बाहर आ जाते हैं इससे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपका नाम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर साइन आउट कर दीजिएगा, इसके बाद इतना काम होने के बाद आप साइन आउट ज़रूर कर दीजिएगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। साइन आउट हो चुके हैं हम, और हम वेबसाइट को अभी बंद कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्लोज कर देते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, या कोई भी शक है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आपको जवाब ज़रूर दूंगा। जैसे ही मैं अपने फ़ोन में कमेंट आपका पढ़ लूँगा तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। और वीडियो को देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। और ये सैमसंग की कंपनी की वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप अपना खोया हुआ या चोरी हो गया फ़ोन आराम से बहुत अच्छे से ढूंढ सकते हैं। और हाँ, ये आईडी बनाने के लिए आपको अपने फ़ोन में लॉगिन रखना होगा, ठीक है। और ये आप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, आप लैपटॉप से भी कर सकते हैं, और अपने मोबाइल किसी और दूसरे मोबाइल से भी कर सकते हैं, अपने ब्रदर के या किसी और के। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग इंडियन होस्ट।